बच्चा पैदा होने से लेके मरने तक के गीत हैं जो बुंदेली पारंपरिक गाते हैं। भैया और राम राम नमस्कार, हमें तो चिंता ही हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। बुंदेली आइडल की प्रतियोगिता हम बुंदेलखंड के तमाम सारे क्षेत्रों में ऑडिशन के जरिए कर रहे हैं, और अगर गायन की बात हो तो वाद्य यंत्र अपने आप में एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ होते हैं गीत और संगीत के लाने, और बुंदेलखंड के जो पुराने वाद्य यंत्र हैं भी अब कहूँ देखवे खो भी नहीं मिलत, लेकिन हमें मिल गए देखवे खो। और जो अद्भुत कलेक्शन है सीताराम कुशवाहा जी के पास, जो गणेश सत्संग भवन चलाऊ थे शहर की पीक लोकेशन पे, और बुंदेली के कार्यक्रमों के लाने केवल उन्होंने अपने आप को समर्पित कर रखे हैं, अनूठो काम कर रहे हैं, और संग ही जो एक तरीके से संग्रहालय जैसी स्थिति है, तो इको कहिए भाई साहब कौन कौन से वाद्य यंत्र हैं, जरा आप नाम बता दो, इनकी विशेषता बता दो। बुंदेलखंड की प्राचीन रमतुला, जो पहले कम से कम वंशकार लोग बजाते थे, लेकिन आज उनके पास रमतुला नहीं है, लेकिन बजाते वो ही हैं, लेकिन हम 5 कलेक्शन करके रखे हैं। एक कम से कम हमारे पास एक रमतुला और रखा है, वो तांबे का है, ये भी तांबे का है और वो भी तांबे का है, और एक इतना बड़ा रमतुला है वो भी रखा है हमारे पास, ये विलुप्त होती है, कोई बजाता नहीं है ऐसी। और ये लोटा है, ये हमारे दादा के पिताजी का है, मतलब कम से कम 150 साल पुराना है। ऊपर आप नगड़ियाँ देख रहे हैं, ये वाली नगड़ियाँ, वो पखावज रखा है, ये भी हमारे दादा परदादाओं के हैं, ये सब जिन्हें हमारे पिताजी ही बजाते थे, परदादा ही बजाते थे, उनकी खंजड़ी है, ये एक खंजड़ी, ये भी है खंजड़ी, वो रखी वो वाली खंजड़ी, एक ये खंजड़ी है, एक खंजड़ी हम जो नीचे बजा रहे थे आपने देखा हो उसमें ऑडिशन में, वो भी 100 साल पुरानी है, केवल सजो के रखना है कि यादगार बनी रहे। और ये झींका मजीरा, ये और ये चमटा, ये डमरू है, ऊपर ढाक रखी है, जो कि देवता आते हैं उसमें बजाई जाती है, वो है सिंगल नगड़िया, जो फाग आदि में बजती है, और वो कोने पर रखा पखावज, मृदंग भी बोलते हैं इसे। और ये सब चीज़ें हमें मिली हैं, ये हाँ तसला है, तसला तसला बोलते हैं, ये भी नगड़ी जैसा बजता है, और ये गले में टांग के बजाया जाता है, ये बीन है, ये सब चीज़ें अधिकांश केवल बीन का बजाने वाला हमारे पास नहीं है, बकाये सब लोग हैं, सब साज बजते हैं, कम से कम 10 हमारी टीम में 15 लोग हैं जो सब साज बजाएंगे, और बढ़िया बुंदेली पारंपरिक गीत गाते हैं, बच्चा पैदा होने से लेके मरने तक के गीत हैं जो बुंदेली पारंपरिक गाते हैं। अभी देखा हमने, मतलब प्रस्तुति की है, लेकिन पारंपरिक किसी ने नहीं गाया, तो हमारी कोशिश यही है आगे कम से कम 1 महीने का हम बुंदेलखंड की विलुप्त होती ये साज और पारंपरिक गीतों का एक कार्यशाला लगाने वाले हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि सभी लोग आएं और सीखें और इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। और आप लोग आए हो, आप लोगों का गणेश समारोह में बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है, कभी कोई ज़रूरत हो तो आप आइएगा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो अनूठो काम देखो आप, न केवल संग्रहालय है बल्कि अपनी विरासत को भी संजोवे को प्रयास है, बुंदेली के गीतों को, बुंदेली की संस्कृति को, और वही मुहिम में बुंदेली बौछार भी अपने स्तर पर अपना काम कर रहा है, लेकिन यही सब चीज़ें हैं जो हमें अपनी अगली पीढ़ी तक आगे ले जाने। कैमरामैन नीलेश के संग सचिन चौधरी, झांसी से बुंदेली बौछार के लाने। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, दी हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया, बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।